पंजाबी गायक हार्डी संधू और लुधियाना के मल्हार रोड स्थित एक निजी जिम में वर्जिश करते हुए दिखाई दिए। उनके मुताबिक आजकल जिस कदर लोग अपने कामकाज के संबंध में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि लोगों को अपनी सेहत के प्रति कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण वे भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी सेहत के प्रति 1 घंटा निकाल कर वर्जिश जरूर करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के बारे में भी बताया। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे पंजाबीज का वार्म वार्म वेलकम। सिंगिंग, एक्टिंग और अपनी किलर पर्सनालिटी से सबके दिलों पे राज करने वाले, स्पेशली गर्ल्स के दिलों पे राज करने वाले हार्डी संधू जी आज हमारे साथ हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? फाइन सर। सबसे पहले आप ये बताइए कि लुधियाना में स्पेशली आप आज किस मोटिव से आए हैं? लुधियाना में आई एम इन टू फिटनेस, तो हमने एनी टाइम फिटनेस जिम वी हैव ओपन इट, तो उसकी वजह से आई एम हियर। सर, जैसे हम सब जानते हैं यू आर वेरी ग्रेट फिटनेस वीक, तो आप फिटनेस से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिटनेस के रिलेटेड मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब मैंने शुरू की थी फिटनेस, देन आई गॉट टू नो कि फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट जस्ट फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर योर माइंड। जैसे आप जिंदगी में आपको एक होती है ना कि सेल्फ एक आपको मोटिवेशन मिलती है, आप यू आर स्ट्रांग, यू कैन हैंडल एनीथिंग इन योर लाइफ, आप इतना स्ट्रांग हो जाते हो मेंटली, तो दैट्स व्हाई मुझे फिटनेस अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड पीपल टू गेट फिट। सर, वन थिंग वी वांट टू आस्क, क्योंकि आपका जो एक्चुअल नेम है, रियल नेम है, उससे हार्डी संधू नेम आपका कैसे पड़ा? पूरा नाम मेरा हरदविंदर सिंह संधू है। नाम, मैं क्रिकेट खेलता था तब साउथ इंडियन फ्रेंड्स होते थे, तो उनसे मेरा नाम प्रोनाउंस नहीं होता था, सो उन्होंने उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया। तो उस मतलब सिंगिंग लाइन में और एक्टिंग लाइन में आपने एंट्री कैसे की? क्रिकेट इंजर्ड हो गया था, छुट्टी क्रिकेट तो, बट गाने का शौक पहले ही था, बिफोर आई स्टार्टेड क्रिकेट, उससे पहले मुझे सिंगिंग का शौक था, तो मुझे तब भी जब क्रिकेट खेलता था तब भी था कि कभी ना कभी एक गाना करूँगा, बट आफ्टर दैट सेकेंड पैशन वॉज सिंगिंग, सो और कुछ दिख नहीं रहा था। जितना सपोर्ट मुझे फैमिली ने करा, मैं कहूँगा कि हर फैमिली को अपने बच्चे को उतना सपोर्ट करना चाहिए, कि इतना ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। सर, आपकी दो एल्बम्स आई थी स्टार्टिंग में, जो सोच एंड जोकर, जो सुपर डुपर हिट गई थी वर्ल्ड वाइड, तो उस टाइम आपको क्या फीलिंग्स थी, आपकी क्या मूवमेंट्स, आप वो शेयर करना चाहेंगे? फीलिंग तो अच्छी होती है जब आपको सारे लोग इतना प्यार देते हैं, दैट वॉज अ ग्रेट फीलिंग। एक टाइम पे ऐसा भी हो गया था कि लूजन अप भी हो जाता ना, मतलब कि हाँ अब तो हो गया ठीक है, बट आफ्टर दैट अगेन कुछ टाइम बाद, बेसिकली तब एज थोड़ी छोटी थी, मैच्योर उसके बाद होता है बंदा, देन अगेन स्टार्टेड वर्किंग हार्ड एंड फिर उसके बाद हमने आपको एक मूवी में भी देखा, यारा था कैचर, बट उसके बाद फिर आपने कहीं जाके ब्रेक क्यों ले लिया मूवीज से, बिकॉज इतना अप्रिशिएट किया था सबने आपकी उस मूवी को? हाँ जी, वो बहुत पहले मैंने फिल्म करी थी, तो फिल्म वॉज गुड, बट मुझे लगता था कुछ मैं डिफरेंट करूँगा, तो आई वेटेड फॉर इट। तो अभी तक व्हाट इज योर एक्चुअल पैशन? आपने जैसे क्रिकेटर भी आप रह चुके हैं, सिंगिंग, एक्टिंग एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं आप, तो एक्चुअल मेन आपका जो पैशन होता है लाइफ में, वो आप क्या करना चाहते हैं? अभी जैसे जैसे लाइफ गुजरी है, तो जैसे जैसे मुझे पता लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट से भी पहले मेरा सिंगिंग पैशन है। तो सिंगिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे एक मेडिटेशन की तरह मुझे फील होती है। सिंगिंग इज योर एक्चुअल पैशन? इट इज। तो आने वाले आपके एल्बम सब कौन कौन से हैं, क्योंकि बिकॉज बहुत टाइम हो गया, सब वेट करते हैं आपके एल्बम्स की। एक्चुअली अभी एल्बम थोड़ा सा डिले होगा, बिकॉज वी आर डूइंग अ फिल्म, तो फिल्म पे काम चल रहा है, वी आर गोइंग टू शूट इट नाउ, तो उसके बाद ही करूँगा, सो सेप्टेम्बर के बाद। हम आपकी लुक्स में अब इतना चेंज क्यों देख रहे हैं, ये लुक थोड़ी फंकी स्टाइल एंड ऑल? सो ये मस्टैशेस जस्ट फॉर द फिल्म, जो मैंने आपको बोला कि उसके लिए कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। दिस इज डिमांड फॉर योर मूवी। या या या, एग्जैक्टली, यस। ओके, तो सर एक सॉन्ग तो डेफिनेटली बनता है। सॉन्ग मेरे से सर प्लीज, यू शुड। मैं एक बार शुरू किया तो बहुत गाने पड़ने हैं। आई एम एक्चुअली ऑन अ सर सिंगल वन। नहीं खाया आज सुबह से। ओके, ओनली 2-3 लाइंस, नथिंग। कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती ला दे सोहणिया, मैं कहना गोरिए ना 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 गोरिए। थैंक यू। तो लास्ट में सर, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो किलिंग पर्सनालिटी, आपके लुक्स को लेके सारी गर्ल्स ऑलमोस्ट बहुत फ्लैट हैं, तो उन गर्ल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी आपको, आप जिसको लाइक करते हैं, आपके कोई लाइफ पार्टनर होगा या कोई बॉयफ्रेंड होगा, तो उसको बोलो कि फिट रहें और अच्छी पर्सनैलिटी होना है। मतलब आपसे इंस्पायर जरूर।
थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ फेमस सिंगर एंड एक्टर हार्डी संधू जी, जो यहाँ पे लुधियाना में एक फिटनेस एनी टाइम फिटनेस को लेके यहाँ पे स्पेशली आए हुए हैं, और उन्होंने लोगों को बहुत अच्छा मैसेज दिया कि फिटनेस सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है लाइफ में। तो होपफुली आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, और हमने भी इन्जॉय किया उनके साथ कुछ वंडरफुल मोमेंट्स। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी। Thank you.